हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लवली दिल्ली कपल। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये देखिए क्या कर रखी हूँ, पैकिंग पूरी कर रही हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ बचा ही रहता है, तो सूटकेस वगैरह वैसे मैंने लगा दिया है अभी, और पैकिंग बाकी है। और पैकिंग कर रही थी तभी मुझे याद आ गया कि आज 27 है, रात में मुझे केक लेके आना पड़ेगा, केक कट करने के लिए। इनका बर्थडे है कल, तो आज मैं सोच रही हूँ जाके केक लाऊँ। तो इनको नहीं बताऊंगी, लेकिन जाना मुझे इन्हीं के साथ पड़ेगा। और रीज़न ये है कि हल्की हल्की बारिश भी शायद आ रही है, मैं पैदल जाऊंगी तो थोड़ा दूर भी पड़ता है यहाँ से, तो मैं इनको लेके जा रही हूँ। और इनको मैंने ये बोला है कि आप चलो, आप अपने लिए थोड़ा एक दो शर्ट वगैरह देख लो, क्योंकि चाहिए होगा एक दो नए, कुछ और ले लो आप। तो इनको ये कह के मैंने बोला है, अब ये जाएंगे शर्ट मेरे साथ देखने, और ये आते हुए मैं इनको बोल दूंगी कि आप जाओ और मैं केक लेके वापस आ जाऊंगी। तो फिलहाल तैयार हो गई हूँ, चलते हैं। आज बहुत ठंड है दिल्ली में, तो मैंने ये स्वेटर पहन लिया है, बहुत ठंड लग रही है। तो चलते हैं मार्केट की तरफ। मैं आ चुकी हूँ केक लेने, चल के देखते हैं कौन कौन सा केक है। चल बेटा, मैंने इनको बोला आप जाओ, और मैं और बेटू आ गए हैं केक लेने। पापा का बर्थडे है बेटू, है ना? कौन सा केक लोगे? कौन सा केक? लॉलीपॉप नहीं लेना, केक लेना है, केक। आओ जल्दी। तो देखते हैं कौन कौन सा केक है यहाँ पे। आ गए हैं अगेन। तो गाइस, मैंने बिल ले लिया है, एंड देन देते हैं केक के लिए। भैया केक यार, मेरे को तो काजू कतली समझ आती नहीं है, खाते हैं लोग। काजू कतली का नहीं तो कर ले जाता है भाई, सब को 8000 ज्यादा नहीं मांगा। तो गाइस, ले लिया है मैंने केक, एंड देन चलते हैं घर पे। तो मैंने ले लिया है, चल रहे घर की तरफ। सो गाइस, केक भी ला चुकी हूँ और फ्रिज में मैंने रख दिया है। अब फिलहाल कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। और खाने में मैं सोच रही हूँ आज आलू मटर फ्राई करके जो बनता है, निखुन्ना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो पहले वो बना लेती हूँ। फ्राई कर लिया और मैंने अपने लिए निकाल लिया, अब इनके लिए भी लेके चलती हूँ। और ये डिश इनको बहुत पसंद आती है, तो फटाफट लेके चलती हूँ। चलते हैं फटाफट। लो, क्या बनाया? वाह, कॉफी भी है फेवरेट? कॉफी? हाँ कॉफी बना दूंगी, कॉफी मस्त वाली बना दूंगी। ओके, सिंपल दूध पी लिया करो इसके साथ। कॉफी का एक अलग मजा है। नहीं कॉफी नहीं, कॉफी अभी सुबह पी थे ना, तो दूध पिलाओ फिर। दूध दूध ले आती हूँ एक गिलास, वो पी लो। और अच्छा ये बताओ, कल आपका बर्थडे है? हाँ। शोर नहीं करो बेटा। मेरा बर्थडे पता है, पापा का बर्थडे है तो कल आपका बर्थडे है, तो कम से कम एक केक ही ले आते। बच्चे खाते हैं, अरे एंजॉय करना चाहिए, बूढ़े हो गए हो। एक केक ले आते यार, कम से कम काट देंगे। ठीक है, तीन हिस्से कर देंगे, ठीक है। बेटू का, आधा आधा हम दोनों का। ठीक है बेटू, खाओगे? चलो रात में, नहीं तो हलवा, हलवा बना दूं? हलवा? अरे हाँ हलवा कर लो, गाजर तो माना यार, गाजर। अब मुंबई से आऊंगी तब बनाऊंगी। चलो फटाफट इसको फिनिश करो, फिर दूध ला रही हूँ, एक गिलास वो पी लो। या टाइम हो रहा है 11:30 बज रहा है, ये इस टाइम हो रहा है बर्थडे का, और जल्दी जल्दी इसको खत्म करो। और बर्थडे 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 में हम आज करेंगे क्या, एक वो है छोटा सा, एक चॉकलेट है उसको कट करेंगे, ठीक है? चलो, क्योंकि आप केक लाए नहीं हो तो यही करना पड़ेगा। केक बच्चे खाते हैं, केक कैंसिल है, चॉकलेट खाएंगे। चलो फिनिश करो, मैं भी खा लेती हूँ। मैंने लिया था कुछ गिफ्ट, पहले ये चल के देते हैं, क्योंकि मैं इनको बोलती हूँ कि पहले चेंज कर लो, तो पहले इनसे चेंज कराती हूँ फिर लेके चलती हूँ केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। 12 बज गए और ये जल्दी जल्दी चेंज करो, इसमें से चाहे जो एक पहनो, फटाफट चेंज करो, जल्दी जल्दी चेंज करो। कपड़े होंगे तभी कह रही हो चेंज करो। ये दो दो टी शर्ट है, दो है, जल्दी से जो मन करे वो चेंज करो। कौन सा पहनूं आप ही बताओ? कोई भी पहन लो, येल्लो पहन लो। हाँ येल्लो पहन लो, फटाफट चेंज करो, तब तक मैं आ रही हूँ। फटाफट केक निकाल लेते हैं। मैंने इनको नहीं बताया है कि मैं केक लाई हूँ,
और फटाफट केक निकालती हूँ अपना, लेके चलते हैं। हो गए तैयार? ये बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरे लिए अपने आप में एक सरप्राइज था, क्योंकि मुझे इस केक के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, खासतौर पर शर्ट के बारे में भी। शर्ट्स के लिए तो थैंक्स, क्योंकि शर्ट्स तो मुझे बहुत ज्यादा ऑसम लगी। आपको पता था, पता है नहीं पापा को केक आया है? बेटू मेरे साथ गया था। अच्छा अच्छा, केक भी हीरा वाले का है, मस्त। पापा ये केक हो जी। ओहो, चलो मैं लगा। बेटू नहीं, मैं अभी नहीं लगा। खोल ले तो, खोल ले तो। देखो हल्का सा टच हो गया। खोल ले वो तो लाने में। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, दोनों को लगाऊंगा मैं। वाओ, देखो गाइस, आपको केक दिखा दूं। ये है हमारा केक, मस्त वाला। विशाल जी लिखवाया है इन्होंने। बेटू अभी नहीं, एक मिनट रुको। अब मेरे गोद पे बैठ गया। पापा को हैप्पी बर्थडे नहीं बोले आप? हैप्पी बर्थडे बोला है। कब बोलो, दोबारा बोल दो एक बार। हैप्पी बर्थडे, पूरा बोलो। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू। अभी लगाएंगे, अभी लगाएंगे, पहले मम्मी को एक फोटो खींचने दो। अभी मैं लगाऊंगा। आप लगाना, ठीक है? हाँ। मैं लगाऊंगा। देखो भैया, देखो देखो बेटा, तुम कितने अच्छे पोज दिया था बेटू, देखा? हाँ लगाओ, चलो लगाओ। रुक जा बेटा, बस चलो चलो, बस बस बस, दो लगाओ, बस दो ही लगा, दो लगा, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं बेटा, बस दो ही। अभी 30 का नहीं हुआ ना, 30 को जाऊंगा तब 3 लगाएंगे ना। अभी अंडर 20 है, अंडर 30 है, तो गाइस अभी उम्र अंडर 30 है। और यहाँ पे मेरी ननद का फोन आ गया, नैंसी छोटी भाई। चलो वीडियो कॉल, यस, राइट टाइम पे एकदम नैंसी फोन आया तुम्हारा। बेटा ज्यादा नहीं लगाते। हेलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बुआ को, थैंक यू बोलो। बुआ देखो, बुआ देख, आ बुआ आ गई। नहीं बस 3 लगते हैं। गुनगुन गुनगुन बोल, रुक जाओ रुक जाओ। थैंक यू गुनगुन, थैंक यू। केक आ रखा है, आ जाओ, केक खाना है तो जल्दी जल्दी आ जाओ। टू यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू यू। चलो यहां पे नैंसी बुआ है, नैंसी बुआ है, जाओ बात कर लो बुआ से, करोगे? नहीं रुको, पहले चलो रुको रुको रुको, चलो केक काटने जा रहा है। चलो केक कट करते हैं बेटू। बुआ बुआ से बोलो, कह दो बुआ आओ। सेल्फी में लगा के प्रमोट कर दो, देखते रहेंगे क्या दिख रहा है उसमें। डिस्प्ले की तरफ कर दो, आप दिख रहे हो उसमें, मैं देख रही हूं। चलो फूंक मारो, 1 2 3 इसको लगा दो। एक मिनट एक मिनट, चलो चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। बोलो हैप्पी बर्थडे, बेटू बोलेगा हैप्पी बर्थडे पापा, बेटा बोलो हैप्पी बर्थडे पापा। कट करो कट करो, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा बोल दो। चलो मोमबत्ती को हटा, बर्थडे टू यू पापा बोलो, चलो बेटा बोल दो हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। हैप्पी बर्थडे पापा, यस, हैप्पी बर्थडे पापा। अबे काटो, चलो 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू मी। अच्छा हैप्पी बर्थडे टू यू। दो जो जल्दी जल्दी, सबसे पहले मैं अपने बेटू को भोग लगाऊंगा, नैंसी गुनगुन को केक खिलाओ पहले बेटू का भोग, बुआ को केक खिलाओ, बुआ बर्थडे बोल दिए। हैप्पी बर्थडे टू मी, नैंसी गुनगुन का आ खा लो, जल्दी खाओ जल्दी खाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, केक भिजवा जल्दी से। हां केक, उसको समझ में आ रहा बुआ, इसको सेल्फी मोड में कर दो ना। बुआ है, डिस्प्ले इस तरफ कर दो ना, वही में जाओ। चलो टेढ़ी क्यों आ रही है? टेढ़ी आ रही है, मैं ठीक है ऐसे बैठे हो ना। चलो खा लो, वो सब काटने में मजा आता है। तो बुआ क्या कह रही है? अब बुआ क्या कह रही है? उसमें कट करके तो फोटो भेज दो।
तो गाइस ये जो सरप्राइज था केक की नॉलेज नहीं थी, सेकंड डे शर्ट की भी नॉलेज नहीं थी, ऑसम केक एंड शर्ट बहुत हार्ड ऑसम मजा आ गया। गिफ्ट शर्ट है, शर्ट शर्ट कैसी लगी? ये वाली एक ब्लू है और एक और है, वो भी बहुत सुंदर है, रुको दिखाऊं। अभी इनको भी नहीं पता है, रुको बोल दी तुम लोगों से बता दी, इनको भी नहीं पता है। दो नहीं और भी है क्या? और क्या? हैप्पी बर्थडे पापा। कितनी है? दो और थी, मैं जब लेती हूँ। अच्छा जींस शर्ट ओ तेरी, और एक गिरा दी, देखो नैन्सी एक मैंने पहनी है और एक वाली दिखा दो। ये वाली देखो, ये वाली वूलन की है, अच्छी लग रही है ना? हाँ अच्छा लग रहा ना, दिखाओ। यस यस होगी, ये कलर इसका अच्छा लग रहा है। तुमने नहीं देखी ये, देखो पूरी चादर पे। मुझे ना एक बार में समझ नहीं आता, अच्छी है अभी तो दो और मंगाई थी, पर वो वाली ना वो जची मुझे तो रिटर्न कर दिया। ये ब्लू में है, सेम ऐसी में। हाँ ये तो टी शर्ट सेम ही आ गई यार, कलर तो मैं कह चलो को यार कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है ये। देखो ये देखो यार, मैं केक का क्या हाल करती है इसने, वही तो देखो। थैंक यू, अभी मैं खिलाऊंगा आपको अपने हाथों से। केक लेना, फोटो खींचू आपके, मैं खींच दूं अच्छी सी। तो गाइस ये जो चीज थी ये प्रॉपर मेरे लिए सरप्राइज थी, जिसके अंदर मेरी शर्ट मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, येलो जीन्स के ऊपर पहनेंगे, ब्लैक जीन्स वगैरह के ऊपर, अभी तो नाइट लोअर नाइट ड्रेस पहन रखी है। बाकी ये ड्रेस भी सेम है, बट मे बी शायद कलर इसका चेंज है, एंड एक जीन्स है एंड एक विंटर की शर्ट है। इसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पहनूंगा ये कलर कॉम्बिनेशन। बाकी केक का क्या हाल हो चुका है ये आप देख ही सकते हैं। धीरे धीरे बेटा, ये पेट में तो मैंने खूब खाया है। तो गाइस फटाफट अब केक को मैं पार्ट कर लेते हैं, पहले केक खाते हैं फिर आते हैं आप लोगों के पास। कोई ये पकड़ो पकड़ो, ओ, ओ, केक भी आ चुका। केक आया था आपको पता था? हाँ बेटू को पता था, बेटू मेरे साथ ही गया था, बेटू मेरे साथ गया था और तब से कह रहा था मम्मी केक काटो, मम्मी केक काटो। तो गाइस ये एक सरप्राइज मेरे लिए अपने आप में एक बड़ा सरप्राइज था, तभी मेरे से केक की डिमांड हो रही थी और मैं केक जो है लेके ही नहीं आया था। मेरा प्लान था क्या बच्चों के साथ केक तो काटेंगे, बट बेटू का मेरा केक तो बहुत फेवरेट है। हैप्पी बर्थडे पापा बोल दो। हैप्पी बर्थडे पापा मेरा बच्चा। तो गाइस रात में वैसे भी 12:30 एक बजे तो जगते ही जगते हैं, बट इस तरह का सरप्राइज मिलेगा केक के साथ साथ शर्ट, वो भी एक नहीं दो नहीं तीन शर्ट हो गई, एक जींस हो गई, इसका आइडिया मुझे नहीं था। केक का तो ये था कि भाई कल मॉर्निंग में जाएंगे, अभी कल इवनिंग में जाएंगे कहीं पे छोटा मोटा सेलिब्रेट कर लेंगे, खा पी लेंगे, वैसा कुछ कर लेंगे, इस तरह की प्लानिंग थी, बट ये नाइट वाली अनएक्सेप्टेड थी। मस्त था, मजा आया, वैसे मैं तो मूवी देख रहा था, फिर मूवी वगैरह बंद की, हमने कहा पहले सेलिब्रेट ही करते हैं। कल भी चलेंगे, कल भी जाएंगे सेलिब्रेट करने, है ना? हाँ कल कर लेते हैं। तो फिलहाल अभी सोता हूँ मैं, क्योंकि अब टाइम हो रहा है 12:30, मूवी क्या देखनी है, अब सोते ही है ना। केक निकाल लो, केक खाते हैं पहले। दो आपको? बहुत थोड़ा सा दो ना मुझे, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, जस्ट लाइक अ पेस्ट्री का हाफ का हाफ, इतना चाहिए मुझे। तो गाइज गुड मॉर्निंग, बज रहे हैं 12:30 आफ्टरनून के टाइम, बर्थडे बॉय का क्या हो रहा है बता देना जरा। ब्रेकफास्ट हो रहा है अभी, उठे अभी अभी ये उठे हैं, और कब से चाय नाश्ता इनका ठंडा हो रहा था। तो अब ये क्या करने का प्लान है आज देखते हैं, आज बारिश आ रही है, आज बारिश आ रही है। मेरा बेटू उठ के नौटंकी है, बेटू गुड मॉर्निंग, दोनों बाप बेटे अभी अभी उठे हैं, गुड मॉर्निंग, जोर से बोलो। ये इनको मैं कहाँ बेटा बोल रही हूँ, मैं आपको बेटा बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, लव यू,
तो इनको चाय नाश्ता करने देते हैं और यहाँ मेरी बैग रेडी है और भी आपको दिखाती हूँ क्या कुछ नया आया है। तो गाइस आज तो हूँ मैं बर्थडे बॉय, तो रात का सेलिब्रेशन हो गया। आज थोड़ा लेट उठते हैं, अप्रॉक्स 12:30 एक बज चुके हैं। नाश्ता वास्ता सब कुछ हो चुका है, बाकी आज शिवानी लगी हुई है अपनी पैकिंग करने में क्योंकि इनकी कल की ही ट्रेन है, ये कल निकल जाएंगी मुंबई। तो अभी बहुत सारा काम बचा है ये सब करना, तो बाकी इस ब्लॉग का यहीं पे कर देते हैं एंड। पहले इनकी थोड़ी हेल्प करा दें और नेक्स्ट ब्लॉग इनकी पैकिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग जो भी ये प्लान कर रहे हैं वो सब आपको दिखाएंगे अगले ब्लॉग में। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड इवनिंग का क्या प्लान है अभी कुछ फिक्स नहीं है, जैसा भी होगा आपको ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा कि हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं बर्थडे पे स्पेशल। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।